हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। ये होने वाला है फ्लेम एम्परर की स्टोरी का एपिसोड नंबर 11 और इसमें जियान मॉन्स्टर रियूंस जाने वाला है। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो समझ ही गए होंगे कि जियान को मैजिकल बीस्ट रियूंस में जाने की क्या जरूरत पड़ गई। अगर उसे नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि पहले उसे देख के आओ, जिससे चीजें और भी अच्छे से कनेक्ट हो सके। जो हेल गार्डन फैमिली के नए मेंबर्स हैं, आई गेस उन्होंने बैटल थ्रू द हेवंस की नोवल स्टोरी को देखा नहीं होगा। हमने इस चैनल पे पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करके रखा है। BTTH की फुल प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं मैं कमेंट सेक्शन में, उसे चेकआउट जरूर करना। चलो अब जानते हैं फ्लेम एम्परर की स्टोरी के पिछले पार्ट में क्या हुआ था। जब जियान सारे साय सोल एसेंस को अब्सॉर्ब कर लेता है तो उसकी सोल एम्परर लेवल से सीधा मोर्टल स्टेट में एंटर कर जाती है। अब उसकी स्पिरिचुअल बहुत ही पावरफुल हो गई थी, लेकिन इस नई दुनिया में पावरफुल एक्सपर्ट्स की बिल्कुल कमी नहीं है और जियान को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अब पावरफुल स्किल्स को सीखना था। और इसमें हेल्प करते हैं जिन लोग, वो जियान को एक स्क्रोल देते हैं। जब जियान स्क्रोल को पढ़ता है तो उसकी आंखें लगभग आई सॉकेट से बाहर ही आ गई थी, क्योंकि ये होती है एक लो लेवल की इमोर्टल फाइटिंग स्किल। बेसिकली अगर इसे नॉर्मल दुनिया में बाहर निकाला जाए तो बड़े बड़े फैक्शंस भी इसके ऊपर फाइट करना शुरू कर देंगे। जिन लोग कहते हैं अगर तुम इसे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी एंशियंट रूलर को टेम्पर करना होगा। बेसिकली जियान को अपनी एंशियंट रूलर को और भी पावरफुल बनाने के लिए उसमें हेवनली फ्लेम्स को फ्यूज करना होता है। फाइनली ऐसा करने के बाद जियान उस इमोर्टल लेवल फाइटिंग स्किल के अंदर के स्पेस के अंदर चला जाता है। वहां जियान मिलता है इस टेक्निक के क्रिएटर से। वेली उनका बस एक सोल इम्प्रिंट था, क्योंकि जियान इस टेक्निक को इनहेरिट कर रहा था तो वो जियान के सामने से अच्छे से परफॉर्म करके दिखाते हैं। बेसिकली इस पूरी टेक्निक को जियान के दिमाग में इम्प्रिंट कर दिया जाता है। जियान को ये समझ में आ जाता है कि ये टेक्निक आखिर कितनी पावरफुल है। ट्रेनिंग के एंड में आके इस टेक्निक के क्रिएटर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं, मेरे इनहेरिटर याद रखना, मेरा नाम है 7-footed इमोर्टल। ये कह के वो गायब हो गए थे। और फाइनली जियान भी उस लेगेसी स्पेस से बाहर आ जाता है। बाहर जिन लोग उसका वेट कर रहे होते हैं वो जियान की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश थे। तभी वो जियान को एक और काले रंग का स्क्रोल देते हैं। एक्चुअली में यही वो चीज होती है जिसकी वजह से म्यू फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जिन लोग ने इस चीज को उस ब्लैक डॉट पर्सन से हासिल किया था जिसकी कुछ दिनों पहले जियान से फाइट हुई होती है। फिर जियान मिलता है यू फैमिली के लीडर यू से। वो जियान को बताते हैं कि काफी जल्दी मैजिकल बीस्ट रियूंस ओपन होने वाले हैं और जियान जिस एम्पर लेवल के ड्रैगन कोर को खोज रहा है उस मॉन्स्टर रिमेंस में मिलेगा। चलो यहीं से हम इस इंटरेस्टिंग एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ये सीन होता है उसी हॉल का जहाँ पे यू फैमिली की मीटिंग्स होती है। यूरू के फादर सभी को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं, आप सभी अपने अपने काम पे वापस लौट जाओ। कुछ समय के बाद इस हॉल के अंदर बस जियान, यूरू और यूरू के फादर रह गए होते हैं। यूयू कंफ्यूज जियान को देख के बोलते हैं, अगर हम डिमोनिक बीस्ट माउंटेन्स की बात करें तो ये प्रोफाउंड स्पिरिट कॉन्टिनेंट का काफी फेमस एरिया है। ये हमारी चिंगचिन सिटी के पास पड़ता है। न जाने क्यों लेकिन उस एरिया की कोल्ड एयर बहुत ज्यादा थिक होती है, सूर्य की रोशनी उस जगह तक पहुंच नहीं पाती। वहां पे किसी अनजान व्यक्ति का खो जाना काफी आसान होता है और अगर वो केयरफुल नहीं रहता है तो उसका सामना खून के प्यासे बीस्ट से भी हो सकता है। और ये मैजिकल बीस्ट काफी ट्रबलसम होते हैं। इस बार वो मैजिकल बीस्ट के रिमेन्स इस डेमोनिक बीस्ट माउंटेन्स के एरिया के अंदर ही है। कहा जाता है कि मैजिकल बीस्ट के रिमेन्स के अंदर बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स के साथ साथ कई इमोर्टल लेवल की फाइटिंग टेक्निक्स भी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मैजिकल बीस्ट रिमेन्स बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं। जो लोग इन्हें एक्सप्लोर करने के लिए गए हुए थे उनमें से कई लोगों को पता नहीं चला है। जियान कहते हैं, ओ लेकिन मैंने तो सुना है कि इंसान और मैजिकल बीस्ट दुश्मन होते हैं, तो फिर मैजिकल बीस्ट इंसानों को अपने रिमेन्स में इन्वॉल्व कैसे होने दे सकते हैं। इसके जवाब में यूयू कहते हैं, लिटिल फ्रेंड जियान, शायद तुम्हें पता नहीं है, इन डेमोनिक बीस्ट माउंटेन्स के रिमेन्स का मालिक एक सुप्रीम ह्यूमन पावर हाउस था। कहा जाता है कि वो ऑलमाइटी एक्सपर्ट मैजिकल बीस्ट से नफरत करता था, इस वजह से वहां मैजिकल बीस्ट के लिए एक बैन लगाया गया है। वो जियान को कंफर्ट करते हुए बोलते हैं, और तो तुम्हें जो एम्पर लेवल का मैजिकल बीस्ट कोर चाहिए वो भी तुम्हें वहीं पे मिलेगा। यूरू कहते हैं, फादर इस मैजिकल बीस्ट रिमेन्स के पीछे का राज क्या है। यू स्माइल के साथ बोलते हैं, बहुत समय पहले जब इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में वो सबसे बड़ा वॉर हुआ था उसमें कई सुप्रीम पावर हाउसेस की जान चली गई, लेकिन जहां जहां पे उनका खून गिरा वो जगह रियूंस बन गई है जिसे हम रिमेन्स बोलते हैं। इन जगहों पे हर तरीके की मिस्ट्रीज और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। यही रीजन है जिसकी वजह से ये काउंटलेस जीनियसेस को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर सिर्फ लकली तुम्हें एम्पर ब्लड मिल जाता है तो तुम अपनी फाउंडेशन को बहुत ही मजबूत करके एक एम्पर बन सकते हो। यूयू की बातों को सुनकर जियान भी अपने ख्यालों में खो चुका था। ये कहना पड़ेगा कि मौके सच में बहुत बड़े हैं। जियान काफी कठिनाई के साथ बोलता है, एक एम्परर क्या होता है। ऐसा लगता है इन शब्दों में एक अलग ही पावर छिपी हुई है। जब उसके मुंह से शब्द बाहर आए थे उसके शरीर का एनर्जी फ्लो तेज हो गया था। कुछ समय तक सोचने के बाद यूयू जियान की तरफ देख के स्माइल के साथ बोलते हैं, तुम्हारे लिए अभी काफी दूरी की बात है, बस तुम ये समझ लो कि सो कॉल्ड एम्परर की स्ट्रेंथ पीक 7-star दूधी के बराबर की होती है। जब एम्परर लेवल के एक्सपर्ट्स की जान जाती है तो उनका वो नीचे गिरने वाला खून रियूंस को बना लेता है। हमारे शॉलिंग कॉन्टिनेंट में भी कई गांव पे एम्परर के रिमेंस मौजूद हैं। इस पूरे एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जियान को फाइनली पॉइंट समझ आ गया था। इस समय उसकी आंखें श्रिंक हो गई होती हैं। यूयू कहते हैं, हमारी चिंगसिन सिटी के 800 माइल्स के एरिया में करीब 8 शहर और मौजूद हैं। इन सारी सिटीज के यंगर जनरेशन के जीनियसेस इस मैजिकल बीस्ट रियूंस का पूरा फायदा उठाने की तैयारी कर रहे हैं।
मैंने सुना है कि वॉचिंग फैमिली का यंग मास्टर भी इस चीज के लिए कई सालों से तैयारी कर रहा है। ऑब्वियसली उसका रिजल्ट काफी अच्छा होगा। बाकी की बड़ी बड़ी फैमिलीज ने भी अपने सबसे टैलेंटेड डिसाइपल्स को भी डिस्पैच किया है। अब ये सभी कितना अचीव कर पाते हैं ये इनके बाकी के ऊपर निर्भर करेगा। यू कहते हैं अगर तुम इस मैजिकल वीस रियूनियंस में अच्छी चीजों को हासिल कर पाते हो तो शॉलिंग कॉन्टिनेंट की शॉलिंग रॉयल फैमिली तुम्हें डेफिनेटली नोटिस करेगी। जियान कहता है शॉलिंग रॉयल फैमिली, जियान ने ज्वालिंग कॉन्टिनेंट के बारे में सुना होता है लेकिन वो शॉलिंग रॉयल फैमिली के बारे में कुछ खास जानता नहीं था। जियान की कंफ्यूज से भरी टोन को सुन के यू स्माइल करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे लिए उनके बारे में ना जानना काफी नॉर्मल बात है। आखिर ज्वालिंग रॉयल फैमिली के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। शॉर्ट में तुम ये समझ सकते हो कि शॉलिंग रॉयल फैमिली शॉलिंग कॉन्टिनेंट के रूलर है। इनके हाथ पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और हमारे जैसे लोग इनके सामने बस चींटी के बराबर है। ऐसी बात को सुनकर जियान के चेहरे पे भी हेल्पलेस स्माइल आ गई थी। ऑफकोर्स वो लेवल अभी जियान से काफी दूर है। उसके अभी के स्टैंडिंग के साथ जियान ऐसे फैक्शन से कम्पीट नहीं कर सकता। हाउएवर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद जियान रूल्स के बारे में अच्छे से समझ गया था। वोचंग जैसे कई शहरों में यू फैमिली ऐसी और भी फैमिलीज एग्जिस्ट करती है। ये काफी नॉर्मल बात है कि इनके यंगर जनरेशन के मेंबर्स भी काफी पावरफुल होंगे। तभी अचानक से जियान के दिमाग में एक सवाल आया था। वो पूछता है अगर ये मैजिकल बीस रियूनियंस इतने इंपॉर्टेंट है तो फिर अलग अलग फोर्सेस अपने पावरफुल एक्सपर्ट्स को क्यों नहीं डिस्पैच करते हैं? क्योंकि अगर ये सब सिटीज हाई दूरी लेवल के पावर हाउसेस को डिस्पैच करते हैं तो वो नए नए एक्सपर्ट्स उन ओल्ड मॉन्स्टर्स के साथ बिल्कुल कम्पीट नहीं कर पाएंगे। जियान के सवाल को समझ के यू बताते हैं आखिरकार वो एक एम्पायर लेवल के पावर हाउस के रियूनियंस है। अगर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स जाते हैं तो उन्हें उतना ही सप्रेस किया जाएगा। तब उन ओल्ड मॉन्स्टर्स की भी ऐसी हालत हो जाएगी कि वो यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट्स के हाथों से भी अपनी जान गंवाने लगेंगे। इसी वजह से अलग अलग फोर्सेस अपने पावरफुल एक्सपर्ट्स को डिस्पैच नहीं करते हैं। जियान को देखकर यूयू की आंखें फ्लिकर होने लगी थी। वो कहते हैं लिटिल फ्रेंड जियान, अगर मैजिकल बीस रियूनियंस के खजाने उन यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट्स के हाथों में लग जाते हैं तो आई एम श्योर तुम्हारे उस एम्पर लेवल के ड्रैगन बी स्कोर को हासिल करने के चांसेस बहुत ही लो होंगे। यहाँ तक बोलते बोलते यूयू रुक जाते हैं। वो जियान के चेहरे के रिएक्शन को देखने के बाद बोलते हैं ऑफकोर्स अगर तुम अपनी करेंट स्टैंड के साथ उन नौजवानों के ऊपर डकैती डालना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ऐसा करना डिफिकल्ट नहीं होगा। यू जियान से बोलते हैं तुम्हारे इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम ट्रेजर्स के लिए रिस्क को लेने के लिए तैयार हो? इस समय जियान ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली थी। एक गहरी सांस लेने के बाद वो फिर से उन्हें स्लोली ओपन करता है। वो आंखें इस समय डिटर्मिनेशन से भरी होती है। जियान सोचते हैं अगर यूरू के फादर की कही हुई बात सही है तो चिंगसन सिटी के अलावा और सिटीज के एक्सपर्ट्स उससे पहले ही रियूनियंस के लिए निकल चुके होंगे। अगर किसी की किस्मत अच्छी रहती है और उसे वो ग्रेट फॉर्चून मिल जाता है तो फिर चिंगवन का सीक्रेट सीक्रेट ही रह जाएगा। और तो इस समय जियान के कंधों पे भारी जिम्मेदारियों का बोझ है। उसे इस दुनिया में सिर्फ अपने शाओ क्लैन के मेंबर्स को ही नहीं ढूंढना है बल्कि गोल्डन ड्रैगन किंग की बॉडी को दोबारा से क्रिएट करना होगा जिससे फिर से अपनी पूरी सैनिक को रिकवर कर सके। ऐसा करते करते जियान को होली फ्लेम्स को भी ढूंढते जाना है। स्पेशली जियान के लिए कायलिन और जूनर को ढूंढना बहुत जरूरी है। इन सभी कामों के लिए जियान को स्ट्रेंथ की जरूरत है और ऐसी स्ट्रेंथ को स्टेप बाय स्टेप ही हासिल किया जा सकता है। अगर जियान अपनी सारी करीबियों को सही सलामत देखना चाहता है तो उसे हर एक अपॉर्चुनिटी को बनाना होगा। ऑफ कोर्स मैजिकल बीस रियूनियंस के अंदर उसे हर तरीके पावरफुल एक्सपर्ट्स मिलेंगे। कई नोबल फैमिली से आ रहे होंगे तो कईयों के पीछे पावरफुल एक्सपर्ट्स का सपोर्ट होगा। अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो देखने में जियान के पास कुछ भी एडवांटेज लगता नहीं है, बट जब से दूधी कॉन्टिनेंट में आया था उसे तुरंत ही कंप्लीट फ्लेम मंत्रा को प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया था। तब से जियान के अंदर आत्मविश्वास की बिल्कुल कमी नहीं रही है। इस वजह से जियान उस मेन सीट पे बैठे हुए यूयू की तरफ देख के अपने दोनों हाथ कप करके बोलता है सीनियर आपके इस गाइडेंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जियान अपने आपको बहुत ही फॉर्चुनेट समझता है कि उसकी यहाँ पे यूयू से मुलाकात हो गई, वरना ये मौका तो उसके हाथ से निकल ही जाता। यूयू कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ये चांस, लेकिन इससे पहले बात खत्म कर पाते जियान ब्राइट स्माइल के साथ बोलता है मैं जियान इससे और कुछ ज्यादा मांग नहीं सकता हूँ। जियान को इस तरीके से तैयार होती हुई देख यूयू हंसने लगे थे। वो कहते हाँ हाँ मुझे पता था कि तुम सिंपल नहीं हो, आखिर जिसके पास फायर स्पिरिट की ब्लेसिंग हो वो ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है। इस बार मेरी बेटी को भी रून से कुछ चाहिए होगा, मैजिकल बीस रून का नक्शा पहले से उसके पास है। मैं लिटिल फ्रेंड जियान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस समय के दौरान तुम उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करो। जियान इस रिक्वेस्ट से इनकार नहीं करता। यूयू खड़े होकर बोलते हैं ठीक है तुम्हारे पास समय की कमी है तो मैं आज ही रून के लिए निकलना होगा। ये कह के यूयू इस हॉल से चले जाते हैं। इस समय इस कमरे में रह गए होते हैं जियान और यूरू जो कि एक दूसरे को देखते हैं। यूरू जियान की तरफ बाव करके बोलती है आई होप तुम मेरा ध्यान रखोगे। ये सुन के जियान भी एक बार नॉड करके इस हॉल से बाहर निकल जाता है। अब सीन चेंज होता है, बात होती है दूसरे दिन की। ये थी वॉचिंग सिटी। एक बहुत ही बड़े हॉल में बहुत सारे सर्वेंट्स आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। उस ऊंचे पवेलियन की छत पे से एक डेंस रेड दुहकी चारों तरफ फैल रही थी। एकदम सूरज की तरह एक्सट्रीमली हॉट फ्लक्चुएशंस को एमिट कर रही होती है। नीचे से कई लोग चिल्ला के बोलते हैं यंग मास्टर हम आपको सफल होकर वापस आने का विश करते हैं। तुरंत ही बूम साउंड के साथ एक और लाल रंग की दुहकी वेव इरप्ट होती है। इस चिंगारियों से बने बादल के ऊपर एक पतला सा नौजवान खड़ा था। उसकी आंखें नीचे सारे सारे सर्वेंट्स को एकदम डिस्टेन के साथ देख रही थी। वो इन सभी को इग्नोर करके देखता है एक रूम की तरफ जो इस मेंशन की गहराइयों में मौजूद होता है। जब कुछ और समय तक वहां से कोई बाहर नहीं आता वो बंदा अपनी निगाहों को बाबा से आसमान की तरफ ले
दिया जाता है। फिर बिना हेजिटेशन के उसने अपने पैरों को आगे बढ़ा दिया था। सभी की अलग अलग इमोशन से भरी आंखों के सामने वो उस जगह से गायब हो गया था। सीन फिर से चेंज होता है, हम देखते हैं सोर्ड किंग सिटी को। एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी होती है, ये सीन उसके पीक का होता है। यहाँ तक कुछ समय तक शांति बनी रही थी, फिर अचानक से किसी के आगे बढ़ने की आवाजें सुनाई देने लगती है। जैसे जैसे आवाजें पास आती है, हम ग्रे रूप में एक यंग मैन को आगे आते हुए देखते हैं। इस बंदे का और इतना फ्राइटिंग होता है कि कोई धूल मिट्टी इसके पास नहीं रहती, लेकिन ध्यान से देखने में मालूम पड़ता है कि इसकी आंखों को एक काले रंग के कपड़े ने ढक रखा है। इस बंदे के पीठ पे काले रंग की सोर्ड होती है। भले ही सोर्ड देखने में बिल्कुल सिंपल लग रही हो, इसमें से एक एस्ट्रोनेशन लेवल की सोर्ड एनर्जी रिलीज हो रही होती है। जैसे जैसे इस यंग मैन के कदम आगे बढ़ रहे थे, हम उसके पीछे रह जाने वाले स्टोन ग्राउंड में एक मोटा सा क्रैक देख सकते हैं। यह फ्रैक्चर किसी सीजर की तरह स्मूथ होता है। वो अपने सिर को उठाता है, उसकी आंखें जिसे काले कपड़े ने ढके रखा था, ऐसा लगता है जैसे वो एक जगह को देख पा रही हो। वो अपनी होर्स आवाज में बड़बड़ाती हुई बोलता है, डिमोनिक बीस माउंटेन्स के रिमेन्स, मुझे अपनी तलवार को रोई पैना करने के लिए एक पावरफुल अपोनेंट की जरूरत है। वो जियांची और वो वुचेंग सिटी का वुहन लगता है अच्छे अपोनेंट होने वाले हैं। उसके मुंह से बाहर आने वाले शब्दों को सुन के उसकी पीठ की तलवार एकदम झंझनाने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो टॉप एक्सपर्ट से फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं 10,000 बीस सिटीज को। एक बहुत ही रोड की आवाज सुनाई देती है। जैसी दहाड़ पूरी सिटी में गूंजी थी, लोगों को हवा में एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर दिखाई दिया था। इस ह्यूज बींग बीस्ट के ऊपर एक कोमल सी दिखने वाली लड़की बैठी होती है। उसके वो लंबे लंबे हरे रंग के बाल और उसकी आंखें एकदम लाइवलीनेस से भरी होती है, मतलब चंचलता से भरी होती है। अगर उस लड़की के कंधे को ध्यान से देखा जाए तो वहाँ पे एक नीले रंग की चिड़िया चहचहा रही थी, लेकिन इस ब्लू बर्ड की आंखें एकदम कोल्ड होती है। वो लड़की उस चिड़िया के सर को सहलाने के बाद एक्साइटमेंट से भरी आवाज के साथ बोलती है, हे हे शौहान, अब हम फाइनली खेलने के लिए जा सकते हैं। मैंने सुना है रूइंस में बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिल चुकी हूँ, लेकिन इस 10,000 बीस सिटी का कोई भी सेम जनरेशन का एक्सपर्ट हमें हरा नहीं सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पे मिलने वाले लोग इस सिटी की तरह बोरिंग नहीं होंगे। वो लड़की चिल्ला के बोलती है, लेट्स गो। तुरंत ही वो ह्यूज विंग बीच एक और दहाड़ मार के अपने पंखों को फड़फड़ाता है। फिर वो किसी रॉकेट की तरह इस सिटी से दूर चला गया था। सीन फिर से चेंज हुआ था, तुरंत ही हमें बैंग बैंग की आवाजें सुनाई देती है। हम एक गंजे इंसान को सिटी से बाहर आते हुए देखते हैं। इसके हाथ में एक बड़ा सा स्फीयर होता है। वो गंजे एक्सपर्ट चिल्ला के बोलता है, इस बार वो ग्रेट फॉर्चून मेरा होगा। ये कहते ही वो किसी गोस्ट की तरह गायब हो गया था। साफ तौर पर उसकी डेस्टिनेशन वो मैजिकल बीस्ट रिमेन्स है। सीन चेंज होता है, हम एक फाइटिंग अरीना को देखते हैं। बूम साउंड के साथ एक ऊर्जा का विस्फोट हुआ था। इस एक्सप्लोजन की वजह से कई फिगर्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस पूरे क्योटिक अरीना में बस एक ही बंदा खड़ा हुआ रह जाता है। उसका शरीर किसी लोहे के खंभे की तरह मजबूत होता है। वो हंस के बोलते, हाहा, तुम सभी बहुत ही कमजोर हो, ये जगह सच में बहुत बोरिंग है। जाओ मेरे फादर से बोलो मैं रियोस जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे और बोर नहीं होना। वो एक बार बंदर की तरह हंसने के बाद बिना हेजिटेशन के अपने पैरों को जमीन से दे मारता है। बस एक ही छलांग में पूरी तरह से गायब हो गया था। इस छोटे से मॉन्स्टर को गायब होते हुए देख मार्शल आर्ट्स अरीना मौजूद सारे सारे लोग रिलीफ फील करते हैं। कईयों के तो खुशी के मारे आंसू आने लगे थे। एक बंदा बोलता है, मॉन्स्टर फाइनली चला गया, फाइनली अब मुझे और भी सफर नहीं करना होगा। ये सुनकर उसका साथी बोलता है, लगता है वो लोग जो कि रुइंस में पहुंचने वाले हैं उनका लक खराब होने वाला है, क्योंकि एक बार वो इस ल्यूनेटिक के चक्कर में फंस गए तो फिर उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। सीन वापस चिंगसिन सिटी में लौटा था। चिंगसिन सिटी के नॉर्थ एरिया में नोई फैमिली रूल करती थी। एक फ्रेग्रेंस से भरी पवेलियन के अंदर मेड की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है, मिस, समय आ गया है, मास्टर ने मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए भेजा है कि अब आप जा सकती हो। इस महकती हुई पवेलियन के अंदर एक सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। इस पे एक फिगर एक सफेद रंग की कंबल कोट के लेटी होती है। चाहे भले इस क्विल्ट ने उसके शरीर को ढक के रखा हो, तभी उस फिगर की कर्व्स को बिल्कुल छिपा नहीं पाता। जैसे ही मेड की आवाज उसके कानों में जाती है, उस इंसान को उड़ना पड़ता है। वो क्विल्ट नीचे फिसल जाती है। अचानक से हमें एक ऐसा डेलिकेट सा फिगर दिखाई देता है जिसे छू लेने से वो मैला हो जाए। उसके बड़े बड़े बाल किसी झरने की तरह नीचे आ रहे होते हैं। खैर अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वरना कहीं एपिसोड का नाम न बदलना पड़े। जब वो लड़की अपने सिर को उठा के बोलती है, ठीक है मैं आ रही हूँ, हमें उसका वो छोटा सा चेहरा दिखाई दिया था। ये चेहरा बहुत ही चार्मिंग होता है। जो भी इसे पहली बार देखेगा उसकी बिल्कुल धड़कनें रुक जाएंगी। फाइनली जब मेड को मालूम पड़ता है कि यंग मिस्टर जाग गई है, तो वो कमरे के दरवाजे खोल के अंदर आ जाती है। चाहे भले वो मेड खुद एक वुमन हो, फिर भी उस डेलिकेट से फिगर को देख के उसके गाल भी हल्के से लाल हो गए थे। मेड कमरे में एंटर करने के बाद अपनी यंग मिस्ट्रेस के लिए कपड़े ढूंढ के वो बेड के साइड में खड़े होकर वेट करने लगी थी। सीन कुछ मिनट्स के बाद का होता है। हम देखते हैं उसी सेम लड़की को, लेकिन इस समय उसने काले रंग की स्कर्ट पहन ली थी। खैर तब भी उसका एक्सक्लूडेड फिगर बिल्कुल हाइट नहीं होता। फाइनली वो लिटिल डीमन अपनी मेड से स्माइल के साथ बोलती है, हे हे शावाई, थैंक यू, जाओ मेरे फादर को बताओ कि इस बार मैं उनके लिए एक परफेक्ट सन इन लॉ को ढूंढ के रहूंगी। ये सुनकर बेचारी मेड भी हेल्पलेस महसूस करने लगी थी। वो सहाय करके बोलती, मिस, मास्टर ने बोला है कि हमें उस खजाने को हासिल करना होगा। मेड की इस बात को सुनने के बाद भी उस लड़की का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज नहीं होता। वो कहती, आखिर ऐसा कौन सा खजाना है जो मेरे एक अच्छे हस्बैंड को ढूंढने से ज्यादा कीमती हो। खैर उस लड़की को भी पता होता है कि समय निकलता जा रहा है। वो हाथ वेव करके बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ। तुरंत ही उसका शरीर डिस्टॉर्ट होने लगता है। कुछ ही
सीक्वेंस के अंदर पूरी तरीके से गायब हो जाती है। जब वो मेड अपनी यंग मिस्ट्रेस की ऐसी शानदार मूवमेंट टेक्निक को देखती है उसकी आंखें भी ईर्ष्या से भर जाती है। वो बड़बड़ाती हुई बोलती है, अगर श्वार्लिंग कोऑर्डिनेट की बात करी जाए तभी मिस की मूवमेंट्स के स्टॉप में आती है। सीन चेंज हुआ था, हम देखते हैं ग्लूमी सी जगह को। यहाँ चारों तरफ सभी हड्डियां बिखरी हुई होती हैं। ऐसा लगता है जैसे आसपास के पहाड़ इन हड्डियों से ही बने हो और मौत इस जगह पे राज करती हो। ये शांति कुछ समय तक बरकरार रही थी, तभी क्रैक की आवाज के साथ एक दूर के पहाड़ में से कुछ लोग बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। बस बात ऐसी थी कि आने वाले लोगों की आंखें एकदम खाली थी। ऐसा लगता है जैसे इनके शरीर एकदम जम चुके हों। ये बहुत ही स्टिफली मूव कर रहे थे, मतलब अकड़ अकड़ के चल रहे थे। अगर इन्हें ध्यान से देखा जाए तो हमें मालूम पड़ेगा कि इनके अंदर बिल्कुल वाइटैलिटी नहीं बची हुई है, बेसिकली एक तरीके की ज़ॉम्बीज हैं। आगे चल रहे चार ज़ॉम्बीज के कंधों पे एक बड़े से कैरेज को देखा जा सकता है। अरे मतलब पहले जो डोलियां होती थी ना वैसा, लेकिन ये कैरेज पूरी तरह से सफेद था। इसके ऊपर कई घोस्ट जैसे पैटर्न्स बने होते हैं। दूर से इसमें से एक सिनेस्टर सा ऑरा बाहर आ रहा होता है। तब एक हल्की सी हवा आई थी, हम उस कैरेज के पर्दों को उड़ते हुए देखते हैं। इन सफेद कर्टन्स के पीछे एक सूखा हुआ नौजवान चेहरा होता है। ऐसा लगता है जैसे इसके शरीर में कोई खून मौजूद ना हो। इसकी आंखें ग्रे होती है और इसके शरीर को एक डेथ की ऑरा ने रैप करके रखा था। इस बंदे का ऑरा बहुत ही ठंडा होता है। ये सभी ज़ॉम्बीज उस कैरेज को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़े थे। उस कैरेज में से कोल्ड लवास बाहर आती है। वो कहता है, ये वांगशिंग जिंदा लोगों को अवॉइड करो। इस समय कहा जा सकता है कि सारी दुनिया के जीनेसिस श्वार्लिंग कॉन्टिनेंट में इकट्ठे हो चुके हैं। एट द सेम टाइम इन सभी का लक्ष्य एक ही होता है, इन सभी का टारगेट होता है वो डेमोनिक बीस्ट माउंटेन्स के रिमेन्स। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी श्वार्लिंग कॉन्टिनेंट की नजरें इस समय इस जगह पर टिकी होती है। सभी जानना चाहते थे कि जब ये सभी जीनियस एक दूसरे टकराएंगे तो वो नजारा कितना ज्यादा शानदार होने वाला है। खैर चाहे कुछ भी हो, अब ये जगह पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे फेमस जगह बन चुकी है। ये डेमोनिक बीस्ट माउंटेन्स जहाँ पे हमेशा शांति बनी रहती थी, इस समय ये बहुत ही लाइवली हो गए थे। सभी को पता होता है कि मैजिकल बीस्ट माउंटेन रिमेन्स ओपन होने वाले हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ब्लैक रोड मैन को जिसके पीठ पे बड़ी सी रूलर होती है। वो अपने बगल में चल रही एक फीमेल को देख के बोलता है, चलो हम यहाँ पे रुक के पहले थोड़े राशन को खरीद लेते हैं, मतलब खाने पीने का सामान। लगातार एक दिन के ट्रेवल के बाद जियान और योरू डेमोनिक बीस्ट माउंटेन्स के बाहरी एरिया के पास आ चुके होते हैं। क्योंकि जियान नहीं चाहता था कि कोई भी लिटली को देख के उसकी फायर स्पीड वाली आइडेंटिटी के बारे में पता ना लगा, जियान लिटली के लिए सिक्स ऑर्डर की ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल रिफाइन करता है। इसे कहा कि अब लिटली पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अभी उसकी अपीयरेंस एक छोटे से क्यूट मैजिकल बीस की होती है। बस उस मेडिसिन पिल को कंज्यूम करने के बाद अजीब बात यह थी कि लिटली को फायर एफिनिटी की मेडिसिन हर्ब्स बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। लिटली की बढ़ती हुई भूख की वजह से जियान उसके राशन पानी का इंतजाम करता है। जियान लिटली को कंधे से पकड़ के अपनी आंखों के सामने लाता है। एक इंसान और एक मैजिकल बीस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फिर अंत में जाके हताश होकर जियान नोड कर देता है। वो यूरू को कुछ बातें बताने के बाद लिटली के लिए जड़ी बूटियां लेने चला गया था। हम एक जगह को देखते हैं, ये डेमोनिक बीस माउंटेन का सप्लाई पॉइंट होता है। यहाँ पे हीलिंग मेडिसिन और नई सारी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती है। सप्लाई एरिया पे जियान को एक मेड मिलती है। जब वो मेड को अपनी जरूरतों के बारे में बताता है तो वो जियान को बताती है कि उसे इन चीजों को प्रिपेयर करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए जियान को यहाँ पे इंतजार करना होगा। इस वजह से जियान अपने हाथों में लिटली को लेके एक जगह पे बैठ के इंतजार करने लगा था। हाउएवर कुछ ही समय के बाद जियान को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती हैं। जब वो भॉइस गोड के बगल में देखता है, उस नजारे को देख के जियान अगली पल में स्टंड हो गया था। क्योंकि जियान को अपने पीछे थोड़ी सी दूरी पे एक हरे बालों वाली लड़की दिखाई देती है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लगातार जियान को देख रही थी और तो उसकी मुंह से लार भी बाहर आ रही होती है। इस बच्चे की ऐसी नजरों को देख के जियान के गर्दन के पीछे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो इस जगह को छोड़कर जाने वाला था, तभी वो उस हरे बालों वाली लड़की को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखता है। इस पल में जियान ने रियलाइज किया था कि उस लड़की की आंखें एक्चुअली में उसे नहीं देख रही हैं, बल्कि उस लड़की की नजरें लिटली के ऊपर जो कि उसकी बाहों में। इस समय जियान भी सतर्क हो गया होता है। वो उस लड़की से पूछता, तुम क्या करना चाहती हो? वो ग्रीन हेयर गर्ल तुरंत ही अपने मुंह से सलाइवा को पहुंचती है। जियान के बाहों में लिटली को देख के उसकी आंखें तो इस समय आग उगल रही थी। वो एक डेलिकेट सी आवाज में बोलती, बिग ब्रदर, क्या आप इस बीज को मुझे सेल कर सकते हो? मैं इस बीज के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे सवाल को सुनकर जियान एकदम स्टंट हो गया था। वो बॉयस गोड के बोलता है, शाओई को खरीदना चाहती हो? वो तुरंत ही अपने सिर को इलाके बोलते है, नहीं बेचना। उसे अच्छे से पता होता है कि छोटा सा बीज जो कि उसकी बाहों में वो कितना ज्यादा खूंखार है। अगर जियान की नोड करने की हिम्मत हो गई तो लिटली जियान के थप्पड़ मार के उसकी पैटी बना देगा। जब वो छोटी सी लड़की जियान को रिजेक्ट करते हुए देखती है, उसके चेहरे पे एंग्शियसनेस नजर आने लगती है। वो जल्दी से बोलती है, बिग ब्रदर प्लीज मुझे बीज चाहिए, मैं आपको 5 मिलियन गोल्ड कॉइंस देती हूँ। वो एक बार फिर से जियान की बाहों में लिटली को देख के अपनी दांती मीस के बोलती है, मैं 5 मिलियन गोल्ड कॉइंस के साथ साथ इस इमोर्टल रैंक की फाइटिंग स्किल को भी इंक्लूड करूंगी। ये कहते कहते इस छोटी सी लड़की की आंखें लिटली के ऊपर से बिल्कुल हटती नहीं है। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट और भी बढ़ता जा रहा था। भले और लोग लिटली की पावर को सेंस ना कर पा रहे हो, लेकिन इस लड़की के पास एक स्पेशल मेथड होता है। उससे पता होता है कि मैजिकल बीस कितना ज्यादा अमेजिंग है। वहीं पर जब जियान 5 मिलियन गोल्ड कॉइंस और इमोर्टल रैंक फाइटिंग टेक्निक के बारे में सुनता है, इस लड़की की ऐसी अमीरी को देख के जियान को भी चक्कर आने लगे थे। हमें पता होना चाहिए कि 5 मिलियन गोल्ड कॉइंस ये कहीं भी एक छोटा
अमाउंट नहीं माना जाएगा। और खासकर अगर बात करिए उस इमोर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल की तो वो तो एकदम बेशकीमती है। जियान सामने की इस लड़की को ध्यान से देखता है और नाकों में जैसा पागलपन दिखाई दे रहा है। जियान समझ जाता है कि लड़की बस बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही है, वो सच में कॉइंस के इतने ह्यूज अमाउंट को बाहर निकाल सकती है। क्या जियान को चाहे कैसे भी कीमत दी जाए वो तब भी रिफ्यूज ही करेगा। लिटली और उसे साथ में रहते हुए इतना लंबा समय हो चुका है कि दोनों एकदम भाई भाई बन चुके हैं। और तो लिटली की फायर स्पिरिट वाली इस भयानक आइडेंटिटी को कैसे भूल सकते हैं। लिटली के पास बहुत ही डरावना पोटेंशियल है, वो फ्यूचर में एक सुप्रीम पावर हाउस बन सकता है। भले इस समय वो छोटा सा बच्चा हो तब भी उसकी स्ट्रेंथ 3-2 के बराबर पहुंच गई है। जब जियान फिर से उसके ऑफर को रिजेक्ट करता है, गुस्से के मारे वो लड़की अपने पैरों को पटकने लगती है। ऐसे सीन को देख के जियान के माथे भी पसीना आ जाता है। उस लड़की के हाथ एकदम सफेद जेड की तरह साफ थे, लेकिन इस समय उसके एक हाथ के ऊपर एक लाइट पैटर्न फ्लेकर हो रहा होता है। देखती देखती इसमें से बहुत ही भयानक सेंसेशंस बाहर आने लगती हैं। असल में लाइट पैटर्न किसी बीस्ट की ब्लड लाइन को सेंस कर सकता है। मैजिकल बीस्ट की ब्लड लाइन जितनी पावरफुल होगी इस पैटर्न की रोशनी उतनी तेज होगी। और इस लाइट पैटर्न में से जो सेंसेशन वो फील कर रही है, जब उसे अपना मैजिकल बीस्ट आह्वान मिला था तब भी उसने ऐसा फील नहीं किया होता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो छोटा सा बीस्ट इस समय जियान के बाहों में, उसकी ब्लड लाइन उसके शाहवान की ब्लड लाइन से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें समझना चाहिए कि शाहवान की ब्लड लाइन एक्चुअली में फीनिक्स से आती है। इस वजह से लिटिली उस लड़की के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। इस लड़की के हाथ के इस पैटर्न को देख के जियान को अचानक से एक चीज की याद आती है। वो याद करता है दुगी कॉन्टिनेंट के स्मो फैमिली की, जिसके पास एक ऐसी ट्रांसप्लांट टेक्निक थी जो की मैजिकल बीस्ट की ब्लड लाइन को इंसानों में ट्रांसफर कर सकती है। तुरंत ही जियान एकदम अलर्ट मोड में एंटर कर जाता है। इस हरे बालों वाली लड़की की इंटेंशन को सेंस करके उसके कपड़ों में से एक हरे रंग की चिड़िया बाहर आती है। अभी इस ब्लू बर्ड की वो कोल्ड आंखें जियान को एकदम तीखे तरीके से देख रही होती हैं। कुछ ही समय में ऐसा लगने लगता है जैसे चारों तरफ की हवा भी जमने वाली है, जिस पर ये नीले रंग की चिड़िया इस लड़की के कपड़ों में से बाहर आई थी। अचानक से जियान के चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत ही सॉलम हो जाता है। साफ तौर पर उस छोटी चिड़िया में से एक डेंजरस सेंसेशन को फील कर रहा है। ये चीज बिल्कुल सिंपल नहीं है। जियान मनी मन में कहते हैं लड़की सच में परेशानी की पोटली है। जिस तरीके से इस बच्चे के पास इतना पावरफुल मैजिकल बीस्ट है, साफ तौर पर इसकी पहचान भी सिंपल नहीं लगती। जब जियान के बाहों में लिटिली उस नीले रंग की चिड़िया की क्लिंगटेंट को सेंस करता है, हम उसकी उन बंधकों को हल्के से खुलते हुए देखते हैं। अगले पल में वो अपने छोटे से मुंह को खोलता है। एक अजीब सी रोशनी के साथ लिटिली के मुंह में से एक दाढ़ की आवाज बाहर आती है। जब लिटिली के वार्निंग से भरी रोर की आवाज को नीले रंग की चिड़िया सुनती है, हम उसके शरीर को कांपते हुए देखते हैं। फिर काफी हेजिटेट करने के बाद उसने खुद को थोड़ा सा पीछे कर लिया था। उस हरे वालों वाली लड़की का सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट ये शाहवान नाम की चिड़िया होती है। जब वो शाहवान को इस तरीके से डरते हुए देखती है, वो ग्रीन हेयर गर्ल एकदम शॉक में चली आती है। उसके चेहरे का गुस्सा तुरंत ही कोलैप्स हो गया था। वो समझ जाती है कि वो जियान की वो जबरदस्ती नहीं कर सकती। इस वजह से फिर से अपनी पफी आंखों को लेके वो जियान को एकदम पीटफुल तरीके से देखने लगती है। ऑफ कोर्स ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है जियान को अच्छे से पता होता है। इस वजह से लिटिली के सर को एक बार सहलाने के बाद जियान अपने सर को हिला के बोलता है, क्योंकि तुम सेंस कर पा रही हो कि लिटिली कितना ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। मैं इसे बिल्कुल बेचने वाला नहीं हूँ, इस वजह से इसके बारे में सोचना बंद कर दो। अब तक वो मेड भी जियान का सामान लेके यहाँ पे वापस आ चुकी होती है। इस वजह से जियान इस लड़की को इग्नोर करके उस मेड से अपने सामान को लेता है। जब वो लड़की देखती है कि जियान के ऊपर सॉफ्ट या हार्ड कोई भी टेक्निक चल नहीं रही है, वो जियान से एक स्टबर्न आवाज में बोलती है, अगर तुम इसे मुझे सेल नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। आप धीरे धीरे करके सेंस कर पा रहे होगे कि चीजें और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। खैर, नेक्स्ट पार्ट में डिमोनिक फ्लेम माउंटेन रेंज ओपन होगा और फिर शुरुआत होगी इंटेंस कॉम्पिटिशन की। BTTH में कॉम्पिटिशन के दो ही मतलब होते हैं, पहला होता है फाइटिंग और दूसरा होता है एल्केमी कॉम्पिटिशन। अब क्योंकि यहाँ पे इकट्ठे होने वाले एल्केमिस्ट नहीं है, साफ तौर पर कॉम्पिटिशन लात घूसों के साथ किया जाएगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जैसे फ्यूचर में आने वाला ऑसम कंटेंट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। ऑफ कोर्स अगर आपसे कल का वेट नहीं किया जा रहा तो आप हमारी चैनल की मेंबरशिप का पार्ट बन सकते हो, इससे आप अर्ली एक्सेस का फायदा उठा पाओगे। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। इस महीने का शेड्यूल काफी ज्यादा टाइट रहने वाला है, सो वीडियोस की ड्यूरेशन की कंसिस्टेंसी थोड़ी ऊपर नीचे होती रहेगी। डोंट वरी, जैसे ही मुझे मालूम पड़ता है कि चीजें एकदम स्टेबल हो गई है, फिर हम वही 30 मिनट वाले वीडियोस को शुरू कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि वो समय जल्दी आ जाए तो वीडियो में लाइक और कमेंट करके इसकी रीच बढ़ाने में हमारी हेल्प करो, जिससे मुझे भी थोड़ा और मोटिवेशन मिल सके। ऑफ कोर्स अगर आपके पास और भी कोई सजेशंस हो तो उन्हें भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। चलो, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।